हेलो माय डियर सब्सक्राइबर, मैं आतिफ अजमल, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बुक वाला। अगर आप भी खाना चाहते हैं कि हमें अभी खाने वाला, तो सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं, जिस सीरीज़ का नाम है करियर मास्टर। इस सीरीज़ में मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने करियर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, आप अपने करियर को अपने मुट्ठी में कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो हमारे सीरीज़ का 10वां वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि थिंक अबाउट योर फ्यूचर, यानी कि अपने लक्ष्य के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। आपकी लाइफ स्टाइल आपके सोच का एक छोटा सा प्रोडक्ट है। बिजनेस हो या व्यक्ति, अधिकांश समय तक सोचे गए विचारों का नतीजा होता है। अगर कोई बिजनेस सफल है तो उसके पीछे अधिकांश समय की सोच है। अगर कोई व्यक्ति सफल है तो उसके पीछे अधिकांश समय की सोच है। किसी भी चीज़ को वजूद में आने से पहले एक अधिकांश समय की सोच उस पर लगी होती है। जैसे कि समझते हैं एग्जांपल के तौर पे जियो कंपनी आज हमारे बीच में वजूद में है। मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, वजूद में है। आज हम उसके सिम को यूज कर रहे हैं। आज टेलीकॉम कंपनी है, वो इंडिया के बेस्ट लेवल पर काम करती हुई कंपनी है, लेकिन आज वो वजूद में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज ही सोचा गया है, वजूद में आज है, लेकिन उस पर सोचने का काम पिछले 7 से 8 साल से चल रही थी। 7 से 8 साल तक चलते 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 तब वो वजूद में आई कंपनी, तब वो लोगों के बीच में आई। मुकेश अंबानी जी ने 7 से 8 साल पहले ये सोचा था कि टेलीकॉम कंपनी और टेलीकॉम मार्केट बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, तो क्यों नहीं इसमें छलांग लगाया जाए, क्यों नहीं इसमें अपना हाथ आजमाया जाए। तो उन्होंने 7 से 8 साल तक उस पर रिसर्च करना शुरू किया। 7 से 8 साल की उनकी सोच आ करके आज हमारे सामने एक टेलीकॉम कंपनी जियो के तौर पर उभर करके आई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज टेलीकॉम कंपनी या आज जियो हम यूज कर रहे हैं तो वो कल की पैदाइश है। जी नहीं, वो माइंड में पहले ही पैदा हो गई थी 7 से 8 साल पहले। आज हमारे सामने वजूद में आई है, वो बात अलग है। तो हम जैसा सोचते हैं ना, आगे चल करके हम वैसा ही बनते हैं। कि उन्होंने 7 से 8 साल पहले सोचा था, लेकिन वजूद में आई आज से 3-4 साल पहले, लेकिन उन्होंने 7 से 8 साल पहले सोचना उस चीज़ को शुरू किया था। तो आपका फ्यूचर वजूद में ऐसा ही होगा जैसा आपके माइंड में है। आप अपने फ्यूचर के बारे में अगर गलत सोच रखे हैं ना, तो आपका फ्यूचर 100% कभी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके माइंड में ही गलत है। तो आप अपने फ्यूचर, आपका फ्यूचर वही होगा जो आपके एक्चुअल में माइंड में है। तो सबसे पहले अपने फ्यूचर को माइंड में सही करना शुरू कीजिए, अपने फ्यूचर को माइंड में ब्राइट कीजिए। उसके बाद वो तो वजूद में ब्राइट होगा ही होगा, पहले आप उसको माइंड में ब्राइट कीजिए। माइंड में ब्राइट करने के लिए मैं 3 टिप्स यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। 3 डिसिप्लिन्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि सफ़ेद कागज़ कलम लीजिए और उस पर लिखना शुरू कीजिए कि आप अपने लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। आपका फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर में 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद किस चीज़, किस तरीका का पर्सनैलिटी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उस गोल को पहले लिखिए। जो भी गोल हो आपका, स्पष्ट तरीका से लिखिए, उसमें कोई कटौती नहीं, पूरे स्पष्ट तरीका से उस गोल को एक सफ़ेद कागज़ पर लिखिए। दूसरी पॉइंट ये है कि इमेजिन करना शुरू कीजिए कि जो भी आपने गोल लिखा है उसको इमेजिन करना शुरू कीजिए। कि अगर आपने नौकरी का गोल लिखा है कि हम नौकरी करना चाहते हैं, 5 से 20 साल के बाद में नौकरी करना चाहते हैं, 1.5 लाख 1 लाख की नौकरी करना चाहते हैं, तो उसे इमेजिन करना शुरू कीजिए कि कैसा होगा वो माहौल जब हम 1 से 1.5 लाख का नौकरी करेंगे, जब हम कार से उतरेंगे, ऑफिस के अंदर एंट्री होंगे, हमारे ऊपर कोट होगा, एक हाथ में हैंड बैग होगा। ये सारी चीज़ को इमेजिन करना शुरू कीजिए। जब आप इमेजिन करेंगे ना, तो आपका वो गोल का जो है ना प्रतिबिंब और उसका इमेज आपके माइंड में क्लियरली बैठेगा। जब क्लियरली बैठेगा तो उस चीज़ तक पहुंचने का आप तरीका ढूंढने लगेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि अपने प्रेजेंट एक्शन पे ध्यान रखिए। अपने प्रेजेंट एक्शन को नोटिस कीजिए कि आपका प्रेजेंट का एक्शन उस तरफ है जो अपने गोल कॉपी और कलम पे जो अभी लिखा, क्या उसके तरफ है, या फिर आपने लिखा कि हमारा बड़ा सा एम्पायर बिजनेस खड़ा करना है या फिर नौकरी करना है, और आपका एक्शन सिनेमा हॉल के तरफ है, आपका एक्शन म्यूज़िक के तरफ है। तो अपने प्रेजेंट के एक्शन को नोटिस कीजिए, क्या हमारा प्रेजेंट का एक्शन उस तरीका का है जो हमें गोल के तरफ ले जाए, जो हम कॉपी पे अभी गोल लिखे हैं उसके तरफ ले जाए। ये तीनों चीज़ें थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अगर इसे करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को बहुत ही ब्राइट तरीके से जी पाएंगे, और आपका फ्यूचर मैं कामना करता हूं कि बहुत ही ब्राइट होगा। तब तक के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। हमारी सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। अगर आप भी खाना चाहते हैं कामयाबी खाने वाला, तो एक बार फिर से कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए बुक वाला।